लाउडनेस ऑफ साउंड इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका यूज करते हैं हम किस काम के लिए, तो किसी भी जगह पे जो इंटेंसिटी होता है उसे मेजर करने के लिए लाउडनेस का यूज करते हैं। और लाउडनेस को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल दरअसल में बेल होता है उसके मिनट, लेकिन बेल वो छोटा होता है इसलिए उसको डेसिबल में हम लोग बोला करते हैं। तो डेसिबल दरअसल में किसी भी पॉइंट पे साउंड का क्या इंटेंसिटी होता है उसको ये इफेक्टिवली मेजर करके आपको बताता है एक लॉगरिथमिक स्केल में, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू देता है। होता है ना कि इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो जहाँ साउंड पहुँच रहा है उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है वहाँ पे। तो इस बात को मेजर किस में करते हैं, तो मेजर करने के लिए लाउडनेस यूज़ करते हैं, और लाउडनेस को हम लोग डेसिबल स्केल में मेजर करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ ए स्केल जहाँ पे लाउडनेस को हम मेजर करते हैं। और इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हम लोग देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है, और अगेन इस पर बेस्ड कुछ सारे सवाल देखेंगे जो हमें हेल्प करेगा चीज़ों को बेटर समझने में। सबसे पहला होता है कि लाउडनेस क्या होता है। तो लाउडनेस दरअसल में होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। एंड इंटेंसिटी जब मेजर करते हैं तो सबसे कम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर कहीं सुन सकता है, वह 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। जो लाउडनेस होता है इसे मेजर हम बेल में करते हैं, लेकिन जो यहाँ वैल्यू छोटा होने की वजह से इसको डेसिबल में लिखते हैं। और ये लॉगरिथमिक स्केल है जिस फॉर्मूले पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। बीटा से हम लोग लाउडनेस को डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू कितना होता है 10 log/10, और ये आई बाई आई नोट। ये लॉग है जिसका बेस कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड लॉग हो गया। यहाँ पे जो आई लिखा आपने, आई क्या है जिस पॉइंट पे आप मेजर करने जा रहे हो उसका इंटेंसिटी हो गया, और आई नोट होता है स्टैंडर्ड इंटेंसिटी। और इसका वैल्यू हमेशा कितना लेना है, तो इसका वैल्यू हमेशा लेना है 10^-12 इसका वैल्यू है वो आपको कंसीडर करना है। फिर आई का जो वैल्यू है आपके पास उसको यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से आप वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला फॉर्मूला हो गया बीटा इक्वल्स टू 10 log/10 I/I0। और इसी के साथ एक और फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर किसी भी जगह पे कोई पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, जनरली क्या होता है साउंड का जो सोर्स होता है पॉइंट सोर्स के फॉर्म में होता है, और 3-डाइमेंशनल में चारों तरफ वो पूरा का पूरा जो उसका एनर्जी होगा उसको स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है ना किसी आर डिस्टेंस पे, उसको लिखते हैं P/4πr². वहाँ पे P क्या होता है, तो P होता है पावर ऑफ पॉइंट सोर्स। जिस पॉइंट सोर्स का आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी जगह पे इंटेंसिटी, उसका पावर होता है। तो इंटेंसिटी I = P/4πr², और यहाँ पे देखोगे पावर कॉन्स्टेंट 4π कॉन्स्टेंट, तो इंटेंसिटी दरअसल में 1r² का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब अगर मान लो कि दो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट वन दिया और यहाँ पे पॉइंट टू दिया है, यहाँ β1 हो जा रहा है, यहाँ β2 हो रहा है, इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे कि दो पॉइंट का लाउडनेस का डिफरेंस, यानी कि β2 - β1, ये 10 log हो जाएगा। जो पहले लिखोगे उसका आई ऊपर होगा, जो बाद में लिखोगे उसका आई नीचे होगा। β2 है तो यहाँ पे I2 ऊपर हो जाएगा, β1 है तो यहाँ आई नीचे हो जाएगा। सो β2 - β1 = 10 log I2 / I1। तो ये आप बेसिक सा फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला याद कर लेंगे। पहला लाउडनेस का फॉर्मूला हो गया 10 log/10 I/I0 हो गया। दूसरा पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी होता है P/4πr², यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहीं पे दो पॉइंट के बीच कंपैरिजन करना है तो 10 log I2 / I1 होता है। नाउ अभी यहाँ इस पे बेस्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल हुआ हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल्ड, जो इंटेंसिटी उसको डबल कर दिए, देन हाउ मेनी डेसिबल डज द साउंड लेवल इंक्रीजेस, कितना हो जाएगा, मतलब दो वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस आ गया ये निकालना। पहले इंटेंसिटी अगर आई था, बाद में डबल कर दिए, तो कितना हो गया 2i हो जा रहा है। इसके कहने का मतलब होता है इंटेंसिटी पहले का दूसरे के इसमें क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि जो बाद की इंटेंसिटी हो जा रहा है वो पहले के इसके इंटेंसिटी का कितना हो जा रहा है, 2 times हो जा रहा है। तो लिखोगे β = 10 log I / कितना हो गया, I0 यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया बेस जनरल फार्मूला होता है, और ये दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है 10 log I2 / I1 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो I2 दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना है, 2I1 हमने यहाँ पुट कर दिया, I1 कैंसिल हो गया, तो बचा log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3 एंड 10 × 0.3 यानी कि 3 decibel। तो अगर इंटेंसिटी को डबल करेंगे तो इसकी वजह से जो लाउडनेस का वैल्यू होगा वो कितना इंक्रीज करेगा, तो वो वैल्यू 3 decibel से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पहला था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मूविंग एट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखोगे, तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि इफ़ द साउंड लेवल इन ए रूम इज इंक्रीज फ्रॉम 50 decibel to 60 decibel, 50 decibel से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 60 decibel हो रहा है, देन बाई वट फैक्टर डज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज करेगा ये बताना है। तो सबसे पहला बात होता है कि हम एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकालेंगे कैसे, इंटेंसिटी के टर्म में होना चाहिए, बिकॉज ये सुपर पोजिशन पढ़ते हैं वहाँ पर जानते हैं कि इंटेंसिटी का वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि दो पॉइंट दिया है, इसका इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो इसके एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। सो दो पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है किसका,
लाउडनेस यानी कि बीटा का डिफरेंस है वो 10 log I2 by I1 होता है। ये फॉर्मूला एकदम जुबान पे याद हो जाना चाहिए, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू 10 log I2 by I1 होता है। अब देखो बीटा 2 60 दिया, बीटा 150 दिया, 10 log I2 by कितना हो गया, I1 हो गया, डिफरेंस 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, I2 by I1, 10 से 10 कैंसिल कर दिया तो 1 का वैल्यू ये हो गया, यहाँ बेस 10 है तो ये जाएगा 10 की पावर में 10 टू द पावर 1 बराबर I2 by I1, यानी कि हमें इंटेंसिटी का वैल्यू मिल चुका है, इंटेंसिटी का रेशियो मिल गया। और इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है ये दरअसल में किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर होता है। A2 by A1 का स्क्वायर बराबर 10 हो गया, तो यहाँ देखोगे A2 by A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स रूट 10, कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स रूट 10। यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड, लेकिन किसी का भी एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड का ही रेशियो पूछा गया, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना आ गया मेरा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गया अंडर रूट 10 आ गया, यही पूछा गया था। Moving ahead to the next question, this very very interesting question. इस सवाल में बोला है कि the noise level of a classroom in the absence of teacher is 50 decibel when 50 students are present. एक क्लासरूम में 50 लोग प्रेजेंट है तो जो noise level है 50 decibel है. Assuming that on the average each student outputs same sound energy per second, what will be the noise level if the number of student is increased to 100? सिंपल सी बात है, मतलब 50 लोग हैं तो इंटेंसिटी कितना हो गया, एक का मान लिया आई तो 50 का 50 आई हो गया, और 100 लोग हैं तो 100 आई हो गया। और रिलेशन यही यूज़ करना है दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस का, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल्स टू 10 लॉग I2 बाई कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। सो बीटा 1 हो गया 50 डेसिबल, बीटा 2 निकालना है, बीटा 2 माइनस बीटा 1 बराबर 10 लॉग I1 बाई I2 हो जाएगा, तो वैल्यू होगा 10 लॉग 2 बिकॉज इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 10 लॉग लॉग 2 का वैल्यू एकदम रखना है याद कि लॉग 2 जहां भी होगा इसका वैल्यू 0.3 पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो बीटा 2 है ये हो गया वैल्यू आपका बीटा 2 माइनस 50 बराबर 3, तो बीटा 2 का वैल्यू 50 प्लस 3, सो द वैल्यू ऑफ लाउडनेस और यू कैन से द नॉइज लेवल इज हाउ मच, तो ये हो गया 53 डेसिबल। तो रिलेशन क्या याद रखना है, बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 10 लॉग I2 बाय I1, और इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा यहाँ पे नॉइज लेवल कितना होगा जब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तब। नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन, जो अगला सवाल दिया है, आखिरी क्वेश्चन दिया है, बोला है कि साउंड लेवल एट ए पॉइंट 5 meters अवे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स से 5 meters अवे जाना है तो कितना दिया है, 40 डेसिबल दिया है। व्हाट विल बी द लेवल एट ए पॉइंट 50 meters, 50 meters दूर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दो पॉइंट का जो इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे वो डिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि I2 by I1 बराबर R1 by R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली इंक्रीज कर रहे हैं। और अपना फॉर्मूला यही है, सारे क्वेश्चन में हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया कि बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू 10 लॉग I2 बाई I1। अब देखो यहाँ देखना, पहले केस में इंटेंसिटी कितना, 40 डेसिबल लिखा बीटा 1, बीटा 2 पता नहीं, 10 लॉग, और बीटा 2 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा I2 बाई I1 हो जाएगा, तो 10 लॉग। अच्छा I2 बाई I1 करेंगे डिस्टेंस का तो उल्टा रेशियो होगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर होगा, R1 दिया 5 meters, R2 दिया 50 meters, तो 5 बाई 50 का होल स्क्वायर होगा, 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 10 लॉग कितना हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। लॉग का रूल होता है पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 10 में मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और लॉग हो गया 1/10, और ये जो दिया है ना लॉग 1/10 इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इसका वैल्यू -1 हो जाता है, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 20 × -1 बराबर कितना आ जाएगा -20, तो बीटा 2 -40 बराबर -20, तो बीटा 2 40 -20 दैट इज इक्वल्स टू 20 डेसिबल। देख सकते हो दिस आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाउडनेस मेजरमेंट, डेसिबल स्केल में कैसे काम करता है उसका हमने यूज करके यहाँ पे किसी भी गिवन पॉइंट पे लाउडनेस इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड एंड द मेजरमेंट ऑन अ डेसिबल स्केल। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड, विल मीट अगेन, अंटिल देन।